बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YT फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैं आई हूँ ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने ड्राई लिप्स को ठीक कर सकते हैं और लिप्स पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं, और आप अपने लिप्स को नेचुरल पिंक भी बना सकते हैं। डार्क लिप्स होने की कुछ वजूहात मैं आपको बता रही हूँ। हमारी यानी कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग या फिर धूप में ज़्यादा रहने की वजह से हमारे लिप्स जो है ना डार्क हो जाते हैं, और फिर कम पानी पीने की वजह से भी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारे लिप्स जो है ना चीप हो जाते हैं। और कुछ एक्सपायर प्रोडक्ट जैसा कि लिप बॉम, लिपस्टिक वगैरह एक्सपायर यूज़ करने से भी हमारे लिप्स जो है ना डार्क हो जाते हैं, तो इन्हें दोबारा से पिंक बनाना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी रेमेडी बताऊँगी जो कि यूज़ करके आप अपने लिप्स को हमेशा के लिए पिगमेंटेशन दूर कर सकते हैं और पिंकी कर सकते हैं अपने लिप्स को, अपने लिप्स को पिंकी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का, हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने नमक ले लेना है। नमक एक बहुत बड़ा एक्सफोलिएट होता है और ये हमारे लिप्स को यानी कि डीप क्लीन करता है और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और पिगमेंटेशन को हमेशा के लिए ख़त्म करता है। अब हमने क्या करना है जी, दूध के ऊपर जो बलाई होती है हमने वो ले लेनी है। ये बहुत ही यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होती है मलाई। और फिर ये होता है कि अगर आपके पास घर में दूध की मलाई नहीं है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की मलाई ले सकते हैं, यानी कि किसी भी अच्छी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आपने मलाई और नमक को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसकी जितनी ज़्यादा अच्छी हम मिक्सिंग करेंगे, ये उतने ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देगा। तो इसको लगाने मतलब मिक्स करने के बाद अच्छे से हमने इसको अपने लिप्स पे जो है ना लगा देना है, और 5 मिनट के लिए हमने ऐसे ही अपने लिप्स को छोड़ देना है। और उसके बाद हमने लिप्स की एक्सप्लोरिएट करना है, लिप्स को एक्सप्लोरिएट करना है और फिर हमने जो है ना वॉश करना है अपने लिप्स को। तो आप देखेंगे कि कैसे आपके लिप्स नरम, मुलायम, सॉफ्ट और पिंकी हो जाएंगे। ये आपको तकरीबन, अगर आप ये यूज़ करें तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप मेरे कहने पे इसको यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि कैसे इस रेमेडी के आपको बेहतरीन से रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये रेमेडी नंबर 1 हो गई, उसके बाद मैं आपको रेमेडी नंबर 2 बताती हूँ लिप्स को पिंक बनाने के लिए। तो ये भी ज़बरदस्त रेमेडी है, और जो मैं आपको सेकंड रेमेडी बताने लगी हूँ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें क्या करना है आपने कि आपने एक लेमन ले लेना है और उसके साथ आपने ग्लिसरीन ले लेनी है। आधे लेमन का आपने रस ले लेना है किसी साफ़ प्याले में, और उसके बाद आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन का डाल देना है। उन दोनों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर वो भी आपने अपने लिप्स पर लगा लेनी है। तो आप देखेंगे कि कैसे आपके लिप्स बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। ये दोनों रेमेडियाँ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो ये इधर प्यार व्यूवर्स आप देख सकते हैं, मैं वीडियो बना रही थी और साथ में मेरी जो मुर्गियां हैं तो उनमें से एक मुर्गी आ गई अंडा देने के लिए। ये आप देखें, ये मेज़ पे मैं इधर वीडियो बना रही थी और ये मुर्गी इधर आके बैठ गई वीडियो मतलब अंडा देने। ये ऐसे ही होता है, ये इनकी परमानेंट जगह है, मेज़ के ऊपर ये आके बैठ जाती हैं। और ये कपड़ों, ये मतलब रज़ाइयाँ रखी हुई हैं साथ में, और ये मेरी बेटी आयशा के कपड़े हैं टोकरी में, तो ये इधर आके छुप के बैठ जाती हैं। और ये इशना है, ये भी मुर्गी का इंतज़ार कर रही है कि कब मुर्गी अंडा देती है। तो माशाल्लाह से ये घर में है, तो बच्चे भी माशाल्लाह से इनसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने कहा ऐसे डाल दूँ, आपको दिखा दूँ कि मैं इधर रेमेडी बना रही थी और मुर्गी आ गई अंडा देने। तो ये बिल्कुल भी नहीं डरती है हमारे साथ, इतनी ज़्यादा मानूस हो चुकी हैं। ये बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसे मतलब खुश खुश रहती हैं, बच्चे भी इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये इधर मैंने रेमेडी अपनी कंप्लीट कर ली है, आपको बता दी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेमेडी में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो तब तक मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी ढेर सारा ख्याल रखें।